माननीय वैद्य केदारनाथ जी एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज आरोग्य भारती की क्षेत्रीय पर्यावरण संगोष्ठी के नाते हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। पर्यावरण शब्द ये हम सभी जानते हैं और जो पर्यावरण है, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज़्यादा भी जानते होंगे, पर सभी लोग इस विषय में सब जानते हैं। तो पर्यावरण मतलब परी और आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। परी मतलब हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, तो उसमें जहाँ जिस धरती पे हम रहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सभी इसमें आ जाते हैं। नदी, नाले, पर्वत, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब जो पर्यावरण विषय पे जो आरोग्य भारती की संगोष्ठी है, तो इसकी कुछ विशेषता होती है। मैं जो बोलूँगा, क्योंकि आप लोग हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा जानते हो या जानते ही हैं, परंतु मैं जो बोलूँगा तो इसमें जो संगठन की भूमिका क्या है, संगठन का जो दृष्टिकोण क्या है, इस विषय को मैं थोड़ा ध्यान में रखते हुए बोलूँगा, तो वो थोड़ा सा इससे अलग होगा। पर्यावरण शब्द है कि ये हमारे चारों तरफ के आसपास की जो वो है उसको लेके बना हुआ है। आरोग्य भारती स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करता है। अब ये हमारे मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि जब जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमको हॉस्पिटल्स की बात करनी चाहिए, चिकित्सा की बात करनी चाहिए, और कुछ नहीं तो हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करनी चाहिए। पर्यावरण की हम जो बात कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम करने वाले बहुत सारे NGO हैं, वो कर सकते हैं, मगर हमारा जो भारतीय चिंतन है, भारतीय मौलिक चिंतन है, आरोग्य भारती उसी भारतीय मौलिक चिंतन पर आधारित है। और भारतीय मौलिक चिंतन क्या है, तो अभी थोड़ा सा शुरुआत बताऊंगा मैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य के बारे में काम करता है, आप सबको पता है। मगर कुछ दिनों पहले 2015-16 के आसपास WHO को लगा कि नहीं, ये केवल स्वास्थ्य की बात करने से और हम पूरे विश्व का स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसे जो विषय हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उनको भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने बने प्रोग्राम बनाया और उसमें पर्यावरण को जोड़ा, पशु स्वास्थ्य को जोड़ा, और भी विषय जो स्वास्थ्य के विषय में और जो चिंतन करते हैं। तो उससे पहले और चलो आप, तो 2015-16 में और WHO ने जोड़ा है, मगर 2002 में कोची में और आरोग्य भारती की स्थापना हुई। जब आरोग्य भारती की स्थापना हुई तो उस समय हमारे जिन मनीषियों ने, माननीय भैया जी जोशी जो उस समय के संघ के सरकार्यवाह थे, और डॉक्टर जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और ऐसे लगभग 18 से 20 महानुभाव, माननीय वैद्य केदारनाथ जी भी उसमें थे हमारे बीच में, जो है ये भी उस कोची वाली बैठक में थे। तो उस समय जब आरोग्य भारती की स्थापना हुई, उसी समय इन्होंने पर्यावरण विषय को और आरोग्य भारती के साथ जोड़ा। तो WHO ने जो 2015 में सोचा है, वही चिंतन आरोग्य भारती ने और 2002 में सोचा। ऐसा नहीं है कि आरोग्य भारती ने पहली बार सोचा हो। आप चरक संहिता हम में से अधिकांश लोगों ने पढ़ी है, और चरक संहिता में एक जनपदोध्वंस का अध्याय आता है। उस जनपदोध्वंस अध्याय में